टेक्नोसाइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, टेक्नोसाइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, MI जो कि बहुत ही पॉपुलर बैंड है और आप सबका तो ये मालूम ही है जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बैंड भी अब बन चुका है। और MIUI जो कि उनकी खुद की ऑफिशियल जो UI सर्विस है, मतलब सॉफ्टवेयर जो कि हर एक Redmi, MI, Xiaomi के डिवाइस में होती है मौजूद। दोस्तों, MIUI हालांकि एक बहुत ही अच्छा UI है, लेकिन इसमें अभी ऐड आना शुरू हो गया है। और दोस्तों, ये ऐड आने की वजह यही है क्योंकि MIUI जो कि बहुत ही पॉपुलर UI बन चुका है, तो इसको रेगुलरली अपडेट करना, डेवलपर के जरिए नया नया चीज़ ऐड करना, इन सब की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए उन सभी डेवलपर्स को पैसे देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक्चुअली में Xiaomi अभी अपने UI के अंदर, मतलब MIUI में एड्स देना शुरू कर दिया है ताकि और भी ज़्यादा रेवेन्यू जो कि पा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे आप MIUI के अंदर अपना जो एड सर्विस बंद कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद जो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप प्राइवेसी में जाइए, फिर वहाँ पर नीचे जाइए, यहाँ पर आप ऐड सर्विस ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशन, इसे आप ऑफ कर दीजिए तो फिर आपके रिकमेंडेशन मतलब ऐड आना बंद हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो MI सेटिंग्स के अंदर UI की बहुत जगह पर जो सेटिंग्स में ऐड आना तो अब बंद हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसमें अभी भी ऐड शो करेगा। तो उन सब को बंद करने के लिए आप हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। या फिर आप डाउनलोड्स में अगर ऐड शो करना बंद कर चाहते हैं तो फिर डाउनलोड्स के अंदर जाइए, फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड आ गया है, यहाँ पर ऐड शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा इस जो ये वाला ऑप्शन में जाकर सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आप, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन ऑन है, इसे भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड आना बंद हो गया है। ठीक है, अब ऐड नहीं शो कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन म्यूजिक में जाकर आपको सेम यहाँ पर म्यूजिक के अंदर सेटिंग, इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाइए, फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिसीव रिकमेंडेशन, इसे भी बंद कर दीजिए तो फिर म्यूजिक ऐप में भी ऐप ऐड शो करना बंद हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी में भी ऐड शो करता है, तो यहाँ पर भी आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिसीव रिकमेंडेशन, इसे भी ऑफ कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही फाइल मैनेजर में भी आप सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट सेक्शन में जाइए, फिर रिकमेंडेशन, इसे भी बंद कर दीजिए। फिर इसी तरह आप थीम्स में भी जाइए, यहाँ पर भी ऐड आ रहा है, आप थीम्स की सेटिंग में जाइए, फिर यहाँ पर भी रिकमेंडेशन आप बंद कर दीजिए। ठीक, इसी तरह से MI वीडियो जो कि बहुत ही पॉपुलर अब बन चुका है, इसमें भी आपको ऐड अगर शो करना बंद कर चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर भी सेटिंग में जाना होगा, फिर इसके बाद भी ऑनलाइन रिकमेंडेशन, इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपके मोबाइल में सभी जगह पर जो ऐड आना, जो ऐड पहले आ रहा था वो सब बंद हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपने MIUI में भी ऐड बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, और कोई सेटिंग नहीं है ऐड बंद करने की, जो भी चीज़ में ऐड आ रहा था सभी अब बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह के वीडियो और भी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।